हम लोग जिनवाड़ी विराजमान करेंगे मुग्धा जी, मधु जी है, मधु जी ग्वालियर गुण कर स्वरूप यथार्थ जग का जो के लिए जिन वाणी वंदना शत्रु यानी पुस्तक का मंगलाचरण बोला हाँ ले लिया देवमानंत मनिंदिय मनुबम मपत्थ सोख मन भज्जम केवल पहो हणिज्य दुन्यति मेरम जिनम नमः बारह अंग गिज्जा बियलिय मलमून दंशन कलिया बिलिय वर चरण भूषा कयल गण पौन रविनो दिविराया विनिष्ठंगा नीराया विकुराया गण हरि देवा पशियंतु पशियउ महुधर सेनु परवाय गयो है दान बरसी हो सिद्धंतामिय सायर तरंग संघाय धोए मनो पनमामि पुप दंतम दुखियंतम दुन्यंधयार रविम भग शिव मग कंटयमिसी समय सयादंतम पन मह कय भूय बलिम के सुवास पर भूय बलिम बिनि है बम पसरम पर डाबिये बिमल नान बम पसरम। बोलिए अशोका जी, चौथी पुस्तक का मंगलाचरण। अच्छा मेरे बहुत बंद था। लोया लोए पयासम गोदम थेरम पुणो जिनम वीरम नमी ऊन खेत सुतम जहो एसम पयासीम नमो हरिम प्राणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोय सैयाणम अरहंत भासियतम गणहर देवेहि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान महो वही सिरसा प्रयाणी सुभारह कोड़ी सैन सुलख तिरासी अजुति भरेण सहस अठावन पंचवियाणी सयापण मामी जिणींद वाणी। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि विभु नमः। चटखंडागम की हमारी पुस्तक 4 का स्वाध्याय चल रहा है। चटखंडागम की जो धवला टीका है उसमें कुल पुस्तक है 16। तो प्रथम 6 पुस्तक के अंदर तो पहले खंड का ही वर्णन है, जीव स्थान का वर्णन है। 7वीं पुस्तक के अंदर दूसरे खंड का, 8वीं पुस्तक में 8वीं पुस्तक जो है उसमें तीसरे खंड का है। मतलब 16 पुस्तकों में से 8 पुस्तक 3 खंड के हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे खंड की केवल एक ही पुस्तक है। 7वीं पुस्तक दूसरे खंड के लिए और 8वीं पुस्तक तीसरे खंड के लिए।
जो पहली छह पुस्तक है वह पहले खंड के लिए है, लेकिन और पहले खंड का नाम है जीवस्थान, इसका वर्णन आठ अनुयोग द्वार से किया गया है। उन आठ अनुयोग द्वार का वर्णन करने वाले पुस्तक केवल पांच ही है, क्योंकि छठी पुस्तक में तो इन आठ अनुयोग द्वार के जो सूत्र बनाए उसको चूलिका के रूप में प्रस्तुत किया गया, मतलब विशेष बातें बताई गई है। चौथी पुस्तक में और पांचवी पुस्तक में दोनों में तीन तीन अनुयोग द्वार है। मंजुला जी अब कौन सी पुस्तक चल रही है? चौथी चल रही है, उसमें क्षेत्र अनुयोग द्वार, स्पर्शन और काल, ये तीन अनुगम द्वार जो है चौथी पुस्तक का विषय है। अगर हम देखें सामान्य से चौथी पुस्तक का विषय, तो चौथी पुस्तक में क्षेत्र प्ररूपणा के 92 सूत्र है। 92 समझते हैं, 90 पर 2, 92 बोलते हैं हिंदी में, 92 सूत्र है। स्पर्शन के 185, लगभग दुगने ही सूत्र हो गए, क्योंकि 184 होते तो दुगने होते, जितने क्षेत्र के हैं उसमें से एक अधिक दुगने हैं। लेकिन काल प्ररूपणा के 342 सूत्र है, जो अभी तक के सबसे ज्यादा सूत्र है। आप देखिए, पहले सत्प्ररूपणा के 177 सूत्र थे, द्रव्य प्रमाणानुगम के 192 थे, तो स्पर्शन और द्रव्य प्रमाणानुगम सूत्र ऑलमोस्ट बराबर है, या तीनों को समझ लो। लेकिन क्षेत्र प्ररूपणा के कम 92 और काल प्ररूपणा के 342 सूत्र है। अब इन 92 सूत्रों के अंदर भी क्षेत्र प्ररूपणा का जो विषय है वो दो प्रकार से बताया गया। कैसे बताया गया? ओक से और निर्देश और आदेश, ओग से भी बताया गया और आदेश से भी बताया गया। तो ओग में केवल चार सूत्र है, मतलब 92 सूत्र में से अशोका जी चार सूत्रों के अंदर ओग परंपरा समाप्त हो जाती है, मतलब गुणस। ओग का मतलब क्या हुआ राजुल जी? थोड़ा बोलिए आप लोग, कैसा ओग का मतलब क्या होता? गुणस्थानों में, गुणस्थानों में। तो चार चार कैसे सूत्र हुए? पहला सूत्र तो था कि वर्णन दो प्रकार से बताया गया, ओग और आदेश से। अगर उसको भी निकाल दे तो केवल तीन ही सूत्र में पूरे 14 गुण स्थान का वर्णन करना, कितने का? तीन सूत्रों के अंदर। सबसे सरल है मधु जी, आपको पूछूंगा मैं बार बार, ग्वालियर में आके पूछूंगा, नहीं याद होगा तो ठीक है ना। देख नहीं रहे मधु जी, देख नहीं रहे, मैं पूछे ग्वालियर में आके पूछने वाला हूँ। तीन सूत्र है कुल क्षेत्र प्रबंधों के, कौन से है? गुण स्थान के तीन सूत्र है। पहला जो सूत्र नंबर 2 जो है वो काय के लिए? मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र बताया। तीसरे सूत्र के अंदर क्या बताया मंजुला जी? दूसरे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थानों को, केवल अयोग केवली को छोड़ा, संयोग केवली को छोड़ा। और एक सूत्र बताया उन्होंने 13वें गुणस्थान के लिए बताया। वास्तव में देखा जाए तो ओग पहला सूत्र तो सामान्य है कि हम कथन ओक से करेंगे और आदेश से करेंगे, ये पहला सूत्र हो गया। कसुर जी आपको क्षेत्र में करना है, बहुत सरल विषय है। कैसे सरल है? कि पहला तो सूत्र सबको पता है कि निर्देश दो प्रकार से किया जाएगा, ओक से और आदेश से। अब तीन सूत्रों के अंदर पूरा गुणस्थान में वर्णन कर दिया क्षेत्र प्रपणा का। सूत्र नंबर 2 में क्या बताया? मिथ्या दृष्टि जीव के रहने का स्थान बताया, कितने क्षेत्र में रहते हैं। सूत्र नंबर 3 में क्या बताया? हमारे शिक्षा जी भी है, शिक्षा जी थे ना, चले गए, कोई बात नहीं। तो सूत्र नंबर 3 में क्या बताया मधु जी? दूसरे गुणस्थान से लेकर केवली भगवान को छोड़कर, मतलब 12 गुणस्थानों की बात आ गई। दूसरे गुणस्थान से अयोग केवली तक लेना है, लेकिन संयोग केवली को छोड़ना है, तो कितने 12 गुणस्थानों का वर्णन करना, कौन से सूत्र नंबर 3 में? और सूत्र नंबर 4 में केवल संयोग केवली कितने भगवान तक रहते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। कितना सरल है, मतलब द्रव्य प्रमाण अनुगम। इसमें बीच में थोड़ी गणित आई है, जहां पर अपन चल रहे हैं वो गणित का विषय कठिन लग रहा है, लेकिन उसमें जब बात पता लेंगे ना क्या बताया, आपने को तो जानना है उससे गणित के द्वारा क्या बताया गया है, तो अपन जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं उसको लूंगा फिर से, लेकिन आज में जो है आपको पता ना अशोका जी, थोड़ा पढ़ेंगे क्या? हमारा प्रश्न संख्या कहां पर आ गया था? यहां पर आ गया था। हाँ, अब शंका का परिहार करते, पेज नंबर था 12 नंबर पेज पढ़ते हैं। मिला आप लोगों को चौथी पुस्तक का पेज नंबर 12 मिला आपको? हाँ, है।
मिला। अच्छा ये कौन सा प्रकरण चल रहा है कस्तूरी जी, अपना दो दिन का गैप हो गया, कौन सा प्रकरण चल रहा है? सूत्र नंबर दो की व्याख्या चल रही है। कौन सी व्याख्या चल रही है? सूत्र नंबर दो, उसमें क्या बताया? मिथ्या दृष्टि जीव। कोई बताएगा मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक रहते हैं? कौन बताएगा? दो बहन भाई रहते थे सर्वलोक में, सर्वलोक में रहते हैं, सर्वलोक में। मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं कि सर्वलोक में रहते हैं? ये सूत्र नंबर दो की व्याख्या चल रही थी कि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं, ठीक है ना। तो वो सर्वलोक का मतलब क्या हुआ प्रीति जी? कि लोक का काश ही लेना, सर्वलोक तो कहा है, अलोक का काश मत लेना, तीनों लोकों में है, तीनों लोकों में लेना। हाँ। और अच्छा मिथ्या दृष्टि जीव है कितने? द्रव्य प्रमाण से कितने है? यहाँ पर है सर्वलोक का, लेकिन आश्रम सर्वलोक का तो कहाँ तक रहा? 343 घन राज्यों तक का, कहाँ तक का? 343 घन राज्यों तक लोक पर रहेंगे हम। मतलब आज हमने शुरू किया बिल्कुल सरल से शुरू किया है प्रीति जी, हम ये बात कर रहे हैं कि क्षेत्र प्रमाणों का हम सबको पूरा, क्योंकि मालूम है कितने प्रण है क्षेत्र प्रमाणों में? कुल सूत्र है 92, क्या आश्रम है 92 सूत्र है, लेकिन ओ प्रोपण में केवल 4 सूत्र है। कितने सूत्र है? 4। 88 सूत्र में तो मार्गणम बताया, अब 4 सूत्र में प्रीति जी, एक सूत्र में तो ही बताया कि निर्देश दो प्रकार का होता है, ओग और आदेश है, तो कितने बचे आश्रम में? 3 सूत्र बचे, 3 सूत्र बचे पूरे ओग की परिपूर्णा करने के लिए। वो 3 सूत्र कैसे बताए? मंजुला जी ने अभी बताया 3 सूत्र कौन कौन से थे। एक तो मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं, सूत्र नंबर 2। तीसरे सूत्र, तीसरे सूत्र में क्या बताया कि दूसरे गुणस्थान से लेकर जो गुणस्थान प्रतिपन्न है केवली को छोड़कर वो कहाँ रहते हैं? चौथे सूत्र के अंदर बताया कि संयोग केवली भगवान कहाँ रहते हैं। यहाँ बात चल रही क्षेत्र की, संख्या की बात नहीं चल रही है। तो संख्या की बात नहीं चलते हुए यहाँ पर बात चल रही कि जो संख्या हमने जानी वो लोग कहाँ रहते हैं। तो पहले गुणस्थान में संख्या की बताई अपने, अनंत बताई थी भगवान ने। अब वो अनंत जीव कहाँ रहते हैं कि लोक का काश रहते हैं। अच्छा मैंने लोक का काश कितना बड़ा है आपको बताना पड़ेगा, आपको पता है 343 घन राज्य कितना है? 343 नीचे कितना है? 7 राज्यों, मध्य लोक में कितना है? 1 राज्य, बीच में ब्रह्म लोक पांचवें स्वर्ग पर कितना है? 5 राज्य, और ऊपर कितना है? 1 राज्य। अब ये अपने को बता, और ये उत्तर दक्षिण में है वो कितना है प्रीति जी? 7-7 राज्य है। कितने राज्य? उत्तर दक्षिण में 7-7 राज्य है। तो जो लोग जिसके अपन बात करते हैं उसका पूर्व पश्चिम में विस्तार अलग अलग है, और कितनी जगह पर है? 4 जगह है। नहीं मुश्किल है, आपको तो बहुत बहुत पुरानी बात हो गई। राजूल जी म्यूट कर लीजिए। कहाँ से बातें चल रही है? मैं भी आप ही म्यूट कीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, मतलब कहाँ से बात आ गई सडनली? हाँ ये अपनी बात चल रही है, ये लोग दिख रहा है ना, लोग दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है लोग दिख रहा है, ये लोग है। तो सब लोग का नीचे जो है ये यहाँ पर जो लिखा है ए टू बी लिखा है ना, ये 7 राज्य है। कितना है? 7 राज्य। मध्य लोक में जहां हम रहते हैं 1 राज्य है, ये ब्रह्म लोक पर 5 राज्य है, और ऊपर कितना है? 1 राज्य है, ठीक है। इस लोक को अगर अपन काटे, काटे मतलब क्या, यहां से टुकड़ा कर ले तो क्या होता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है कैसा लगता है? डमरू की तरह से लगता है, जो ढोल होता है ढोल मृदंग बोलते हैं इसको, मृदंग की तरह से आकार लगता है। और नीचे वाला कैसा लगता है? वेत्रासन की तरह लगता है। और बीच में कैसा लगता है? झलरे के समान लगता है। इस लोक का अगर अपने को घनफल निकालना जो 343 है, तो कैसे निकालेंगे? हमें ये तो पता है कि घनफल कैसे निकालते हैं कि लंबाई में चौड़ाई को गुणा करें तो क्षेत्रफल आता है, और क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई का गुणा कर दें तो घनफल आता। थोड़ी सी अपने को स्कूल में पढ़ा, सबने पढ़ा है, चाहे आर्ट से पढ़ा हो, बीए किया हो, एमए किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन पढ़ा सबने, छठी सातवीं की गणित तो पढ़ने थी, उसके बिना तो याद नहीं, याद करना है अपने को। क्या बता रहे अपन क्षेत्रफल और घनफल किसे कहते हैं? हमें यहाँ पर किसका निकालना है कसूर जी? थोड़ी सी आपको बचपन को याद करना पड़ेगा गणित को, कि हमें निकालना लोक का क्षेत्रफल, घनफल निकालना। उसका उत्तर हमें पता है 343 घन राज्य। उत्तर कितना पता? 343 घन राज्य। अब हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं
कि 343 गंगा जो आता कैसे, ये आता कैसे, तो पहले फार्मूला तो बोलेंगे, मंजुला जी को याद है फार्मूला क्या? लंबाई लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सात गुणित सात गुणित सात। मेरे को लगता है हम सबको पता है कि ऊंचाई तो 14 राजू है, 14 राजू उत्तंग लंबन ओकुर संतान सबको याद है 14 राजू। और आज मैंने बताया उत्तर दक्षिण में 7 राजू है संजीव। तो ये जो सामने की जो चौड़ाई है, चौड़ाई यही निकालने में थोड़ी सी कला है, मतलब ट्रिक जो है सामने की चौड़ाई, क्यों? क्यों चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कौन से 5 स्थान है? पहले नीचे का स्थान 7 राजू है, मध्य लोक का दूसरा स्थान 1 राजू है, 4 स्थान है ना, तीसरा पंच ब्रह्म लोक का 5 राजू है, तो ऊपर का 1 राजू। अपने को एवरेज चौड़ाई निकालनी, क्या करेंगे सबको जोड़ लेंगे, तो 7 से चलेंगे, फिर कितना है मध्य लोक का 1, 7+1, 8+5, 13+14 और 4 जगह का जोड़ा अपने 14/4 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, इसको कहेंगे औसत, एवरेज कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं औसत चौड़ाई। आप लोग निकालते चलिए, ये थोड़ा सा अपने को आसान रहेगा, क्या कहेंगे औसत चौड़ाई कहेंगे इसको, एवरेज चौड़ाई कहेंगे। कितनी आई अपने को? कुछ नहीं याद रही, तो 14/4 आई है, ठीक है। अब अपने को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करना है, तो लंबाई की जगह पर आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 7 राजू। चौड़ाई की जगह लिख दीजिए 14/4 राजू, और ऊंचाई के लिख दीजिए 14 राजू। जी को म्यूट कर दीजिए, ये आवाज आ रही है, इनको म्यूट कर दीजिए। हाँ कर देता हूँ। लंबाई 7 राजू करी, 14/4 चौड़ाई करी, आगे भाग में थे वो केमु हाँ म्यूट हो गए आप, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, बताया आप लोगों को कि इसकी अपन को निकालना घनफल 343 घन राजू कैसे आता है। तो हमारे पास में लंबाई कितनी है, लंबाई लेना उत्तर और दक्षिण में, चौड़ाई कहाँ लेते हैं अपन? पूरा पश्चिम जो अपन सामने देखते हैं, तो उत्तर दक्षिण में जो लंबाई के नीचे लिखा 7 राजू गुणा किया चौड़ाई, चौड़ाई अलग अलग होने से अपन अभी निकाला 14/4 लिखना है, और उसमें गुणा करना 14 राजू का गुणा करना। तो देखो हमारे मंजुला जी बताएंगे 14 तो ऊपर 2 जगह और नीचे 4 है, तो 2-2 को काट देंगे तो वो भी 7-7 हो जाएंगे, और ये पहला 7 तो था, 3 7 आ जाएंगे, 7 में 7 का गुणा गुणा 7 हो जाएंगे, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएंगे, और 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 343 घन राजू आएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे मंजुला जी को समझ में आ गया, बताइए मंजुला जी समझाइए सबको। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसका बंद हो गया, अब आ रही? हाँ बता। तो मंजुला जी सुन रहे हैं, अपन लोग सब सुन रहे हैं, सुन रहे। तो लंबाई ली अपन ने 7 राजू जिसमें उत्तर दक्षिण, फिर चौड़ाई ली 14/4 ली, और फिर गुणित किया अपन ने 14 राजू, वो ऊंचाई थी उसकी। अब ये 7 राजू 14 ऊपर 2 14 14 ऊपर है, तो 1 14 को अपन ने 2 2 4 करके काटा उसको 14 को, तो 7 आए, और दूसरे को 14 को काटा तो वो भी 7 आए, इस प्रकार ऊपर 7 × 7 × 7 ये 3 बार 7 आ गए। इन तीनों का गुणा किया 7 × 7 = 49, और फिर 49 में 7 का गुणा किया तो 343 घन राजू आए। बोल बेटे, आशा में समझ में आया कि लिखना पड़ेगा? आ गया। किसको नहीं आया? ये बहुत सरल है, मतलब इसको जो अगर करने में कोई किसी को कठिनाई आनी नहीं चाहिए। जैसे मैं कोशिश करता हूं, ये लोग जो है ना, ये लोग दिख रहा ना, ये ऐसा है, दिख रहा ना? तो ये जो ऊंचाई तो 14 राजू है, तो अभी क्या यहां पर ये 7 राजू है, यहां पर मध्य में 1 राजू है, यहां पर 5 राजू है, और यहां पर 1 राजू है, तो हमको निकालना औसत निकालना, तो 7+1+5+1 और 4 से भाग दिया, तो ये अपना आ गया 14/4 तो गई इसकी चौड़ाई। चौड़ाई हमेशा पूर्व पश्चिम में बोलते हैं, मतलब इधर पूर्व लेते हैं इधर पश्चिम लेते हैं, और इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण, ये इधर इधर सब 7 राजू है।
ये लोक का नक्शा अपन बराबर देखते ही है, तो अपने को 14/4 राज्यों ये मिल गई, चार मिल गई, चौड़ाई मिल गई। हमको क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट होते हैं। लंबाई में अपन ने 7 राज्यों लिया, ये 14/4 को यहां लिखा और यहां 14 लिखा। अब ये क्या है, 4 × 4, इसको अपन लिखते हैं 2×2 लिख सकते हैं, और 14 को 2×7 लिख सकते हैं, तो 2-2 जरूर कट जाएगा और अपने पास में सिर्फ बचेगा 7×7×7 बचेगा, और इसको गुणा करेंगे तो 49×7 आएगा, तो कुल आ जाएगा 343 घन राज्यों आएगा। ठीक है ना, तो ये जैसे मैंने इसलिए बताया वो सरल, 343 घन राज्यों जो है इसका ये आ गया। ये सबको आ गया क्या शिक्षा जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा? शिक्षा जी आप बोलिए तो सही, शिक्षा जी मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, आ रहा है ना बराबर। लंबाई चौड़ाई जैसे अपने कमरे में होता है ना, लंबाई होती है नीचे फ्लोर को देखे तो लंबाई है चौड़ाई है, अपने 10x8 का कमरा होता है और ऊंचाई उसके अगर 4 होती है तो 10×8×4 उसके कमरे का पूरा घनफल आ जाता है, ये लोक का घनफल आ गया। अब लेकिन लोक को 2 भागों में बांटे अपन, कैसे बांटे, अधोलोक को और ऊर्ध्वलोक को, तो उसका निकालना है। तो आशा में नीचे कैसा है, मुंडे के आकार का जो उस दिन अशोक ने दिखाया था, तो मुंडे के आकार का ऊपर वाला छोटा कितना है, 1 राजू है, नीचे कितना है, 7 राजू है, ठीक है ना। तो अब इसी की चौड़ाई अगर अपने को निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि 7+1/2 कर देंगे। पहले अपन ने 4 जगह की निकाली थी, अभी अपने को 2 जगह की निकालनी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं राजू जी, हम जो है नीचे अधोलोक का घनफल निकाल रहे हैं, क्या निकला, कितना उसका घनफल है, घन क्षेत्र कितना है। तो कैसे निकाला आशा में, नीचे अधोलोक 7 राजू है, नरक के नीचे और मध्य में 1 है, तो 7 में 1 = 8 और 2 क्या, तो 4 राजू तो हो गया, उसकी चौड़ाई हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 राजू है, क्योंकि आधा मध्य लोक तक 7 राजू है, तो 4×7 हो गया, और उधर कितना पूर्व पश्चिम में 7 राजू है, तो 7×7×4 कितना आया प्रीति जी, 197 आना चाहिए, देखो मैं भी करके देखता हूं कितना, 196 आया, कुछ आया, कितना आया, 196 आएगा, आया प्रीति जी आपका, आएगा बराबर है, बराबर आ गया, 196 आएगा, अब ऊर्ध्वलोक का कैसे निकालेंगे मंजू जी, 343 से 196 घटा दीजिए, ऊर्ध्वलोक का आ जाएगा, घटा दो 343 से 196 घटा दो, कितना आ जाएगा, 147 आना चाहिए, 147 आ गया। तो मैं आपको जो 3 हो गए, मतलब ऊर्ध्वलोक स्वर्ग का जो है कितना, 147 है, नीचे का 197 है, और टोटल 343 है। अब मंजुला जी का प्रश्न है कि जैसे अपन ने अधोलोक का निकाला ऐसे ऊर्ध्वलोक का क्यों नहीं निकालते, और फिर करके निकाले 343 है, तो आशा में निकालना पड़ेगा, मंजुला जी ने पूछा तो निकालना तो पड़ेगा, ऊर्ध्वलोक का नहीं निकाले, निकालना तो पड़ेगा। आप लोगों को पता है कैसे निकलेगा मंजुला जी, कि जो ऊर्ध्वलोक कैसा है, ड्रम के वो ढोल होता है ढोल की तरह से है, तो ढोल को बीच में काट दो, मतलब सोचो काटो मतलब काटना नहीं है, तो ब्रह्मलोक तक, मध्यलोक से ब्रह्मलोक तक का और ब्रह्मलोक से ऊपर के का 2 बार अपन निकालेंगे, तो नीचे मध्यलोक में कितनी चौड़ाई है उसकी, 1 राजू, और ब्रह्मलोक पर कितनी है, 7 है, तो 7+1 और उसको डिवाइड कर देंगे, 4 राजू चौड़ाई आ गई, ठीक है, 4 राजू चौड़ाई हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ब्रह्मलोक तक 3.5 राजू है, 5वां स्तर का 3.5 राजू तक है, तो 4×3.5 इंटू पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण में तो वही 7 राजू है, तो उधर 7 राजू लिया और इसको 2 से गुणा कर दिया, कि ऊपर भी ऐसा कैसा ही ब्रह्मलोक से लेकर वहां तक भी ऊपर का ही, तो 2 से गुणा कर दिया, कितना आता आप लोग गिना करो, 147 आता कि नहीं आता है, फिर से क्या कर रहे हैं हमें, हाँ हमें निकालना मध्यलोक का निकालना, ये ऊर्ध्वलोक का अपने को निकालना है ना, ऊर्ध्वलोक का निकालना,
हमें उर्दू लोक का निकालना। तो उर्दू लोक कैसा है? वो आधे डमरू है घर का, मृदंग, मृदंग आधे के समान। ये एक राजू है, ये पांच राजू है और ये है, तो ऐसे इसको वैसे ऊपर भी एक राजू है ऐसा, ठीक है ना। तो मृदंग, तो अपन ने इसको, ये एक राजू है, पांच राजू है और ये ऊंचाई है साढ़े तीन राजू है। ये कितनी है? साढ़े तीन राजू की ऊंचाई है। अच्छा। तो यहां पर एक प्लस पांच बटा दो इंटू साढ़े तीन, और उधर तो जो है सात राजू है, तो उनको कर लेंगे तो अपनी वो बात आ जाती है। ये समझा ना, ऊपर भी ये एक राजू है, नीचे पांच राजू है और यहां भी एक राजू है। ये किया तो चूंकि ये पांच है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ, दूसरा दिखाता हूँ। हाँ क्या हुआ अभी देखते हैं। हाँ मैं कर दिखाता हूँ, पूरा दिन अपन ने क्या किया, पांच थे उसमें अपन ने एक जोड़ा, पांच इन्हें पांच थे ब्रह्मलोक की और नीचे मध्यलोक की एक थी, इसमें अपन ने जोड़ के किया तो छह आया, छह में अपन ने दो का भाग दिया तो कितना आ गया, तीन आ गया ठीक है ना। अब देखिए ये तीन तो अपनी हो गई, चौड़ाई हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी है, पूरा उर्दू लोक भी सात लाख है लेकिन मध्य लोक के ब्रह्म लोक तक साढ़े तीन राजू है, तो ये अपन ने 1/2 लिख दिया, 3/1/2 लिख दिया, ये साढ़े तीन राजू है। और इसके पूरब उत्तर दक्षिण में तो हमेशा सात राजू है, तो हमारे पास में तीन संख्या आ गई, इसको गुणा करना अपने को, तीन सात और तीन का गुणा करना, और जितना नीचे का है ब्रह्मलोक से उतना ऊपर है तो उसके ही अपने को दो से गुणा कर देने का, तो ये अगर आप गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, पांच प्लस एक तीन तो ऊपर आ ही गया था, तीन में सात का गुणा किया था 21 आया, 21 में साढ़े तीन इंटू दो का गुणा करना तो वो भी सात हो जाएगा, तो 21 में सात का गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, बराबर है ना। तो अपन ने तीन घनफल निकाल दिया, आशा उनको तो निकाले, पूरे लोक का आया 343, उर्दू लोक का आया 147 और अधो लोक का आया 196, कुल मिलाएंगे तो 343 घन राजू। ये बताते हैं ये क्यों निकाल रहे हैं राजोल जी, क्योंकि निकाल रहे कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं, तो हमको तो बोलना था सर्वलोक है, तो गणित से बताओ कि कितना के 343 घन राजू है, तो कैसे है उसको निकाल कर अपन ने बताया कि 343 घन राजू कैसे आता है, और ये प्रामाणिक। दोबारा बता दीजिए कौन सा अधोलोक का, एक बार और बता दीजिए। अधोलोक किसको कहते हैं, मध्य लोक से लेकर नीचे के नीचे तक कहते हैं, ठीक है ना। तो मध्य लोक कितना है, देखो अपने को निकालना है घनफल निकालना है, हमको चाहिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, हमारी जो वेरिएशन हो रहा है वो हो रहा है चौड़ाई में, क्योंकि चौड़ाई बदल रही है। तो नीचे कितना है, अधोलोक कितना है अशोक जी आप ही बताइए, सात राज्यों है, मध्यलोक पर कितना है, एक राजू है, तो ये एक सात से एक तक क्रमशः घटता घटता गया। आशा बहन ये अपनों को जरा समझना पड़ेगा,
कि सात से एक राजयुग घटता गया ना क्रमशः, मतलब बराबर ऐसा बना। ये बातें अपने को जब नरक गति के करेंगे ना सातों नरकों में, तो ये बड़े काम के आने वाली, नहीं तो फिर अपने को वहां पर उस समय स्पष्ट नहीं होगा। ये क्रमशः घटता गया, मतलब एकदम जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि एकदम लगातार टेपर करके उसको घटाया, तो मध्य लोक में एक राजू हो गया तो नीचे कितना सात राजू है। अभी अपने को चौड़ाई का औसत निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है, तो सात में एक जानेंगे तो कितने हो गए आठ, और चूंकि दो अपन ने लिए तो आठ बटा दो करेंगे तो चार राजू जो है अधोलोक की क्या हो गई उषा दोषी चौड़ाई हो गई। अधोलोक की ऊंचाई कितनी है सात राजू, सात राजू है तो लोग, तो सात में चार का गुणा किया कितना आया अट्ठाईस। और इसका उत्तर दक्षिण में तो पूरा लोग हमेशा सात राजू, उत्तर दक्षिण में तो सात राजू है, और उत्तर दक्षिण को अपन ने क्या लिया लंबाई लिया है, तो अपने को उसमें किया अट्ठाईस में सात का गुणा करेंगे तो आपको 196 आ जाएगा, 196 घन राजू है। मतलब किताब में इस पुस्तक में किया है अपन ने, आपको समझ लिया तो आपको आगे जब ये विषय आएगा ना तो समझ में आ जाएगा। अब रहा ऊर्ध्वलोक का निकालना, कैसे निकाला आश्चर्य ऊर्ध्वलोक का, कि ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है, हमने उसको बांट दिया ब्रह्मलोक पर पांच राजू का, तो दो का दोनों बराबर है ऐसे दो टुकड़े को लेकर जोड़ा है, तो अपने को केवल ब्रह्मलोक तक निकालेंगे और दो का गुणा कर देंगे, ऊपर उतना ही है ठीक है ना, डबल हो जाएगा। मतलब तो ब्रह्मलोक पर पांच राजू है, मध्यलोक पर एक राजू है, तो यहाँ पर औसत मतलब एवरेज चौड़ाई कितनी आ गई मंजुला जी, तीन राजू आ गए, पांच में एक छह बटा दो कितने आ गए तीन राजू आ गए, और इसकी चौड़ाई भी साढ़े तीन राजू है क्योंकि ऊपर टोटल सात राजू है तो आधा हो गया तो साढ़े तीन राजू हो गया, और पूरब पश्चिम में भी सात राजू है, तो उत्तर क्या है अपना तीन गुणा सात गुणा साढ़े तीन आया। लेकिन इसको अपने को इतना कितना दो बार करना था, दो से फिर गुणा किया तो साढ़े तीन में दो का गुणा करेंगे तो वो भी सात हो जाएगा, तो ऊपर आपके बचेगा सात गुणा तीन बचेगा, वो सात बटे दो है तो वो भी दो से दो कट जाएगा। हाँ तो कितना उत्तर, कितना है उत्तर आएगा नहीं आया, 147 आएगा नहीं आया। उषा जी कह रहा आपके आया नहीं आया आगे ना। हाँ बराबर मंजू जी घाट को पर आपके आया, देखो लेट आई हूँ मुझे समझ में नहीं आया। मंजू जी अभी आप समझोगे गणित चल रहा है, अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी चौड़ाई भी और लंबाई भी है और ऊपर की ऊंचाई भी है, तो अपने को घनफल निकालना, तो कमरे की चौड़ाई कमरे की लंबाई ऊंचाई को करना है। अब मान लो चौड़ाई आप सोचो कि आपका कमरा ऐसे टेपर हो जाता है, मतलब चौड़ाई कम हो जाती है, मतलब इधर तो है 6 फीट आगे 2 फीट, तो एवरेज बराबर कम होती जाएगी, तो कैसे निकालेंगे चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 6 में 2 का गुणा करके जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो ये अपना लोग जो है ना चौड़ाई नीचे 7 राजू बीच में 1 राजू फिर जो है, तो इसलिए यहाँ पर एवरेज निकालना पड़ता है। लोक में एवरेज निकालने का कारण ही यही है कि उसकी चौड़ाई बदल रही है। ये जो फिगर है ना ये लोग देखते हैं, ये 7 राजू है ना चौड़ाई है नीचे, 1 राजू है मध्य लोक में चौड़ाई है, 5 राजू जो है उर्दू लोक में जो मिले यहाँ पर ब्रह्म लोक के यहाँ, और 1 राजू ऊपर सिद्धशिला के यहाँ पर है, तो अगर पूरे लोक का निकाले तो क्या करें जितनी चौड़ाई है उसको टोटल करके 2 से भाग दे देने का। अपन ने जब पूरे लोक का निकाला था चारों को ऐड किया, लेकिन अभी अधो लोक का अलग निकाल रहे हैं और उर्दू लोक का अलग निकाल रहे हैं, तो अपन जो जो संख्या आती है उसको टोटल करके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब पेज नंबर 12 पर जो अपना प्रकरण चल रहा है, क्या अशोका जी ये पढ़ेंगे, ये बात क्या चल रही है कि जब उसको शंकाकार को कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं कि सर्वलोक में रहते हैं, किसने कहा भूतबलि आचार्य ने सूत्र में ही कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं कि अनंत सर्वलोक में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अंत सर्वलोक कितना बड़ा है तो वो बता 343 घन राजू है, कितना 343 घन राजू है। शंकाकार की शंका क्या हो गई कि एक गाथा और दी थी कि लोक में उन्होंने आकार के लिए उपमा दी थी कि नीचे जो है वो वेत्रासन के समान है, बीच में झलरी के समान है और ऊपर मृदंग के समान है। तो वेत्रासन जो होता है ना आश्रम, नीचे मुंडा जो गोल होता है और उसका बैठने का जगह होता है वो भी गोल होता है, साइड में ऐसे टेपर हो जाता है,
और गोल एरिया का जो तो वो गोल होता है तो कहता है सर गोल बता, आचार्य ने तो उपमा दी थी तो मुंडी कितने की तरह बदल ली, वो सात राज्यों आयत की तरह से, तो वो बोलता कि नहीं नहीं मुझे तो वेत्रासन बोला, वेत्रासन बोला है कथा में, तो आचार्य उसको उसका अधोलोक का वो घनफल निकालेंगे, ऊर्ध्वलोक का घनफल निकालेंगे, जो अभी अपन ने निकाला है 343 घन राज्य निकाला ना, 197 और 147 196 और 147 निकाला, जो टोटल क्या था 343 था। आचार्य शिष्य को समझाएंगे, क्या समझाएंगे कि जो तू 343 है अगर तू इसको मृदंगाकार वास्तव में मानता है कि ये मुंडे की तरह से है तो नीचे गोल होता, मुंडा तो गोल होता है, तो गोल मानेगा तो तेरा 100 जो तूने नीचे का भी निकाला ना 196 वो नहीं आएगा, कम आएगा, तो 147 निकाला वो कम आएगा, इसके लिए सारी गणित करनी पड़ेगी, और ये तीन तरह से है और इसकी शेप भी अलग अलग है, पांच राजू अलग करके, तो उसको आचार्य देव गणित करके उसको समझा रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे अभी, पहले पढ़ेंगे पूरा एक पेज पढ़ेंगे, उसके अंदर फिर समझेंगे। पढ़िए अशोका जी। जी मंजुला जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, मंजू जी का भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये समाधान, अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। इस प्रकृत सूत्र में लोक ऐसा पद कहने पर पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ही ग्रहण किया है, अन्य का नहीं, क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घात केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक में रहते हैं, इससे उक्त बात सिद्ध होती है। यदि लोक सात राजू के घन प्रमाण नहीं है तो लोक पूर्ण समुद्घात गत केवली लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए, और मृदंगाकार लोक के प्रमाण को देख कर अर्थात उसकी अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घात गत केवली का घन लोक के संख्यातवे भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गणना करने पर मृदंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यातवे भाग मात्र पाया जाता है। बस बस बस, ये जो क्योंकि लाइन है ना, उसके कारण ही 8-10 पेज का गणित आ गया, बाकी अपने कुछ बात इतनी से बताने के लिए, गणना मतलब गणित, गणित करने पर मृदंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यातवे भाग पाया जाता है, गणित गणना करना मतलब गणित करने पर। बात क्या बताए, समाधान कौन दे रहा, आचार्य वीरसेन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, शंकाकार को। प्रीति जी शंकाकार की शंका क्या है कि ये जो लोग जो है ये कैसा है, नीचे से उसके मृदंग उसके उसके आकार का है, वेत्रासन के आकार का है, वेत्रासन के आकार का मतलब वो जो है उसको आयत नहीं मान रहा, उसको गोल मान रहा है, बैठने का स्टूल गोल भी रेक्टेंगल भी हो सकता है लेकिन उसको गोल मान रहा है, क्योंकि उसको वेत्रासन कहा ना, वेत्रासन, और वेत्रासन बाजार में गोल ही मिलता है जो हमारे उषा जी ने दिखाया था। तो आचार्य कहते हैं कि देख, पहली पॉइंट क्या बोला कि उन्होंने बोला कि अगर तू कहता तेरी बात ये सही होती तो जब ये बोला जाता कि केवली भगवान कहाँ रहते, ये सूत्र कौन सा है, ये सूत्र नंबर 4 है। सूत्र नंबर 4 में बताने वाले हैं कि केवली भगवान कहाँ रहते हैं, तो कि जब समुद्घात करते हैं तो सर्वलोक में रहते हैं, लोकपूर्ण समुद्घात में केवली भगवान सर्वलोक में रहते हैं, और सर्वलोक कितना, 343 घन राज्य है, तो उनको तो केवली भगवान ने सर्वलोक कहा। अगर तू ये मानेगा कि अगर ये मृदंगाकार वो वैसा है, मुंडे की तरह से है, वेत्रासन की तरह से है, तो क्या होगा कि तेरा जो घनफल निकलेंगे वो संख्यात्मक भाग ही आएगा। 343 का संख्यात्मक भाग मतलब कितना, किसी संख्या से भाग, मतलब 343 को मान लो 340 मान लो, अभी अपने को भाग देने के लिए है तो 343, अब संख्या तो अगर दूसरा भाग हो तो 170 आएगा, तीसरा भाग हो तो उसका आधा आ जाएगा, मतलब संख्या मतलब 343 को किसी विशेष संख्या से भाग देने पर जो भी संख्या आए उतना भाग हो जाएगा। जैसे 100 का पांचवा भाग कौन सा होगा, 20। 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 × 5 = 100, तो 100 का पांचवा भाग करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अच्छा बहन 100 का पांचवा भाग 20 आएगा, 20 कैसे आएगा, 25 क्यों नहीं आएगा, 25 चौथा भाग आएगा, आपको उत्तर क्या देना, 25 करेंगे 25 आएगा तो चौथा भाग आएगा, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा, ठीक है ना, तो 100 में चौथा भाग कौन सा हो गया, अच्छा 100 का 10वां भाग कौन सा, 10 होगा, तो हमारे पास में 100 की संख्या है। आपकी डिस्टर्बेंस से सर की आवाज कट रही है, ईयरफोन निकाल के देख लें,
ईयरफोन से तो सो का दसवां भाग करेंगे तो एक बट दस आएगा, सो का चौथा भाग करेंगे तो 25 आएगा, सो का अपन तीसरा भाग करेंगे मतलब अपन कर देंगे वो आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 20 आपने पांच भाग किए तो 20 आ जाएगा, पांचवा भाग क्या जाएगा 20 आ जाएगा, तो संख्या तो भाग कहना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कैसे कह रहा हूं मैं, गणना करके मतलब गणित करके, तो गणित करके क्या करेंगे कि वो अधोलोक का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रीति जी क्या मानकर चलेंगे कि नीचे सात राज्यों जो अपने सीधी लाइन ली ना अपने छोड़े ले ली वो उसको गोलाकार करेंगे, तो गोलाकार में सात राज्यों करेंगे मतलब क्या उसको क्या बोलेंगे डायमीटर व्यास बोलेंगे, व्यास है ना, व्यास समझ ना, जो एक कोई भी गोलाकार वस्तु होती है उसके सेंटर से पास होने वाली एक लाइन दूसरी लाइन से सेंटर से पास होनी चाहिए उसको बोलते हैं व्यास, और व्यास का आधा करें तो उसको बोलते हैं त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, हिंदी में बोलते हैं व्यास, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर का आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, आपने बताया ना। तो वो सात राजू नीचे गोलाकार मानेंगे, मध्य लोक में एक राजू गोलाकार मानेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी अपन कैसे निकाल रहे थे आशा में, लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकाल रहे थे, अब वो उसको सर्कल मानेगा, तो कोई भी गोलाकार चीज होती है तो उसका सर्कल का जो फार्मूला हमने सातवीं आठवीं में चाहे बीए किया हो चाहे मैथमेटिक्स किया चाहे डॉक्टरी किया सबने पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं, तो वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि गोलाकार चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो गोलाकार किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालते पहले परिधि, जैसे आपकी चूड़ी होती है ना चूड़ी, तो उसकी पूरी परिधि उसको बोलते हैं परिधि, है ना, परिधि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, और उसके लिए अपना फार्मूला है जो गणित में पढ़ा उसका फार्मूला पाई डी, वो पाई होता 3.14, डी होता डायमीटर, लेकिन आचार्य कहते हैं कि मेरे पास सब गणित के स्टूडेंट नहीं है, तो आचार्य ने बहुत अच्छा किया कि जिसको गणित बिल्कुल नहीं आती उसका कहा कि डायमीटर का तीन गुना कर दे तो लगभग परिधि आ जाएगी, लगभग एक्यूरेट नहीं आएगी, क्यों एक्यूरेट कब आएगी 3.14 से गुणा करेंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि तीन से आएगी। तो अशोकाचार्य ने बिरसन से पूछा हमको गणित नहीं आती लेकिन थोड़ी तो आती है, अच्छा तुमको थोड़ी आती है तो ऐसा करो 10 का स्क्वायर रूट करो और उसको डायमीटर से गुणा कर लो। ये आचार्य ने तीनों फार्मूले बताए, ये फार्मूले आपको त्रिलोक सार में भी मिलेंगे, त्रिलोक पंडिति में मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे, जम्बुद्धि प्रज्ञप्ति में मिलेंगे, सब में मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं, किसी भी गोलाकार वस्तु की अगर हमें परिधि निकालना है तो उसके आचार्य तीन तरह के फार्मूले लगाएंगे, एक तो हमारे तरह के लिए, दूसरा अशोक जी के लिए और तीसरा प्रीति जी के लिए जो सुपर इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके लिए निकालने का। तो उनके लिए तो यहाँ पर सूत्र नंबर 14 में बताएंगे, उसके लिए बहुत बड़ा सूत्र बताएंगे, और आशाबेन जो एवरेज होते हैं स्टूडेंट उनके लिए बताया कि 10 का स्क्वायर रूट निकालो उसको डायमीटर से गुणा कर दो, और जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उनको हमारे जैसे लोगों ने बोल दिया उन्होंने कि तीन से गुणा कर दो आ जाएगा 3D। जैसे अगर अपन ने मध्य लोक को एक राज्य मान लिया तो परिधि कितनी हो जाएगी, 3 में 1 का गुणा करना डायमीटर 1 ही है तो 3 करेंगे तो 3 राज्य जो है उसकी परिधि हो जाएगी, और नीचे की परिधि कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ये बिल्कुल सरल बताया मैंने, लेकिन वो सब दशमलव में आने वाले हैं 21 point something, वो बटा 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 में आने वाले, क्यों कि पाई को लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं 22 को, तो वो बटा में कट के रहेगा। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मध्य लोक अगर एक राज्य का है तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो परिधि कितनी हो गई 3 राज्य हो गए, और अगर नीचे का 7 राज्य है तो नीचे का जो मुंडे का नीचे का है वो कितना हो गया 21, कितना हो गया 21 हो गया, क्योंकि 7 में 3 का गुणा क्या 21 कर दिया। जो इंटेलिजेंट है वो 10 का स्क्वायर रूट करके 3 से गुणा कर दे, 1 से गुणा करेंगे और नीचे 7 से गुणा कर देंगे। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उनके लिए बोलते हैं कि 1/7/113, वो एक फार्मूला पूरा आचार्य जो है 14 का जो फार्मूला है उस फार्मूले से निकाल कर बताएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है मालूम है आपको, फार्मूला है मैं भी देख के मेरे को याद नहीं रहता, देखना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। जो 7 राजू है ना, 7 राजू उसको जो है 113 में वो पेज नंबर 14 सूत्र देखा किसी ने,
सूत्र नंबर 14 देखते हैं, ऐसा करेंगे वो आने वाला अपने पास 42 पेज के ऊपर है, 42 पेज पे वो बोलेंगे, जरा 42 पेज पर बोलेंगे क्या लिखा वहां पर, बोलो। हाँ जी बोलती हूँ, गाता है ना वो। हाँ बोलो बोलो, गाता नहीं सिर्फ फॉर्मूला बोलो। अच्छा हिंदी में बोल देती हूँ जी उसका। व्यास को 16 से गुणा करें और पुनः 16 जोड़ें, पुनः 3 1 और 1 अर्थात 113 का भाग देवें और व्यास का तिगुना जोड़ देवें तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिधि का प्रमाण होता है। सर मैंने किया दिए देखिए, बराबर तो अब हाँ किया भी आपने, बहुत बढ़िया। तो 1 को गुणा 16 से फिर 16 जमा किया उसमें फिर तो क्या होगा कि जो अपन ने पहले 1 को किया था तो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, तो 3 में अपन ने 1 का गुणा कर दिया था, नीचे 21 आ रहा था। अब वो 3 की जगह पर कितना आ जाएगा, वो आचार निकालेंगे, मैं निकालते जो 3 की जगह पर आ जाएगा वो 371 बटा 113 आ जाएगा जी, 371 बटा 113 क्योंकि हाँ क्या हो गया कि अगर भाग दिया 3 गुना होता तो 339 आता, लेकिन 371 ऊपर आ रहा है, 371 में 171 113 का भाग देंगे तो 3 से अधिक आएगा, क्योंकि 113 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 339 आएगा, 339 में 371 से घटाएंगे उतना अधिक आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आप तो ये चलो अभी कि ये फार्मूला निकाल कर एक्यूरेट निकाल रहे हैं, एकदम नाम माप रहे, जैसे मैंने कहा ना कमरा कितना है कितना फुट है, लेकिन आशा में जो होगा वो इंजीनियर लोग क्या कहेंगे 10 फुट और 4 मिलीमीटर है, वो है ना इंच बताएंगे, 10 फुट 2 इंच है, बोले बराबर नाप लेंगे ना, एकदम नाप लेंगे वो लोग, तो एकदम नाप लेंगे तो आचार्य ने अलग अलग फॉर्मूले बताकर इसको बताया। ठीक है, इतनी बात अपने समझ गए। क्या विषय चल रहा है कुसुम जी, विषय तो चल रहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ रहते हैं, कि सर्वलोक में रहते हैं, बात समाप्त हो गई। सर्वलोक कितना है कि 343 गणराज्यों है, 343 गणराज्यों कैसे निकाला हमने बता दिया, अधोलोक या अधोलोक या ऊर्ध्वलोक दोनों का करते हैं बोले, उनका जो जोड़ आता है वहां पर सर्व मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, ये बात समाप्त हो गई। इसके बीच में जब सर्वलोक कहा तो लोक कैसा है इसके लिए गाथा थी कि नीचे से जो है वेत्रासन की तरह से है, बीच में झालरी के समान है और ऊपर मुंडे के समान, ऊपर जो है मृदंग के समान है। तो जब नीचे जो उसने बोला कि वो जो मुंडे के समान है वेत्रासन के समान है तो रोज कितना होता है गोलाकार होता है, आचार्य कहते हैं कि तू उसको गोलाकार मानेगा तो वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, वो उदाहरण के लिए समझाने के लिए बताया लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, तो आचार्य उसको गणित करके समझा रहे हैं। अब पढ़िए अशोक जी, पढ़िए वह इस प्रकार है, हाँ पढ़ो वह इस प्रकार है, पढ़ो इस परिधि वह इस प्रकार है 14 राजु प्रमाण 14 राज आयत हाँ 14 राजु प्रमाण इस प्रकार वह इस प्रकार है 14 राजु प्रमाण आयत 14 राजु प्रमाण विस्तृत एक राजु प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली ऐसी मृदंगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकाल करके पृथक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से स्थापित करके अब उसके फल अर्थात घन फल को निकालने का विधान कहते हैं, घन फल निकालने का विधान कह रहे हैं, ठीक है ना, बोलो इस प्रकार है। मुख में त्रियक रूप से गोल और आकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य वाली इस पूर्वोक्त सूची की परिधि 371 बटा 113 कितनी होती है, देखो आगे गाथा नंबर 14 इस परिधि के प्रमाण को ये मिला जो सूत्र बताया है उसमें सिर्फ अगर एक एक राजू डालेंगे डायमीटर एक राजू डालेंगे तो उत्तर ही आ जाएगा 371 बटा 113 जो क्या है आशा बहन 3 से कुछ अधिक है, अपन ने क्या कहा था 3 में गुणा करेंगे डायमीटर का, यहाँ पर 3 से कुछ अधिक आएगा, 113 में 371 भाग दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना 3.32 बटा 113 हाँ मतलब जो वो ज्यादा आ जाएगा। चलो गणित नहीं करेंगे सर, समझेंगे कि 3 से ज्यादा आ जाएगा, फॉर्मूले से आ गया, ठीक है ना, चलो आगे चलो देखो गाथा 114 गाथा नंबर 14 इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजु विष्कंभ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 371 बटा 452 इतना होता है। अब ये जो ना क्या किया इन्होंने 371 बटा 452 आया ना, तो आपको ये सब गणित नहीं आता, अपनों को याद है कि किसी भी गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल कितना होता है
पाई बाय फोर डी स्क्वायर फार्मूला क्या है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, या और भी करना है तो पाई डी मतलब सर्कमफेरेंस में व्यास का चौथा भाग से गुणा कर दे तो उसका घनफल आ जाता है। बस ये पाई बाय फोर डी क्षेत्रफल आ जाता है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर, अभी क्षेत्रफल नहीं आया, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। पाई डी में क्या आया था, केवल परिधि आई थी। अब आशा बहन इसमें सोचना नहीं है, गणित पढ़ चुके हैं, पाई बाय फोर डी स्क्वायर के बिना आप सातवीं आठवीं क्लास पास नहीं हो सकते, और आप लोगों के पास में एमए का डिग्री का है मेरे को पता है, तो आप लोग सब पास है, तो याद करना है। और याद करने में अभी सब सोचना है कि गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय फोर, पाई मतलब 3.14 कहो या 22/7 कहो, कुछ भी कह लो, है ना, मतलब तीन से कुछ अधिक होता है, और उसको डी कहते हैं व्यास को, पाई बाय फोर डी से गुणा किया तो क्या था, पाई तो था ही, पाई अपना कितना लेता है, तीन लिया था, डी अपना एक था, इन्होंने जो निकाल के बताया था ना उस फॉर्मूला 371/113 था, वो उनकी सर्कमफेरेंस आई थी, उन्होंने चार से उसको भाग दे दिया, डी तो एक ही है ना, इसलिए डी बाई फोर से भाग दिया, तो डी एक है, एक बटा चार से भाग दिया तो नीचे 113 में चार का गुणा किया तो नीचे हो गया 452, तो 371/452 हो गया। बस यही समझने का है कि उन्होंने उसका क्षेत्रफल निकाला। कहां पर अपन ये लाइन यहां पढ़ रहे हैं, ये 371/452 कैसे आया ये अपने समझे, 371/113 क्या है, परिधि है, उसमें चार का भाग क्यों किया कि लिखा डी का भाग किया तो 452 आ गया। अब हमें बोलो, अब हमें जी, अब हमें लोक के अधोभाग का घनफल लाना इष्ट है, इसलिए उस क्षेत्रफल को सात राजुओं से गुणा करने पर सात राजू प्रमाण लंबी और एक राजू प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल 5/337/452 इतना होता है। रुकेंगे एक बात, तो आपको समझ के क्या कर रहे हैं आचार्य, जो है अधो लोक का घनफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अधो लेक का घनफल निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, उस जो शिष्य ने शंकाकार ने पूछा था कि वो नीचे का कैसा है कि वेत्रासन की तरह से, तो आचार्य बता तू गोलाकार मानता है ना, गोलाकार मानेंगे तो कितनी, अब आचार सीधा मान जाता और शंकाकार आशा बहन तो इतनी गणित आती ही नहीं, हम तो मान गए थे, आपको कोई शंका आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी, हमने तो बता दिया था कि ये गोलाकार है। अब वो गोलाकार निकालेंगे तो नीचे मुंडा जो ना, मुंडा का नीचे का डाय कितना, सात राजू है, ऊपर कितना है, एक राजू है, तो जिस तरह से अपन ने एक राजू की निकाली 371/452 निकाला था, अब ये सात राजू की निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, नीचे की भी निकालेंगे, फार्मूला वो कोई है, फार्मूला 14 सूत्र नंबर गाथा नंबर 14 जो दी गई है, जो भी बताई थी पेज नंबर 41-42 पर, जहां भी है इस क्षेत्र में, कहां पर है, कौन सा पेज है, 42 42 पेज पर गाथा 14 दी है, उसको प्रयोग करके वहां दोनों निकाल के ही बताया उन्होंने, उन्होंने सात राज्यों का भी निकाला है और एक राज्य का भी निकाला, वो उत्तर यहाँ पर सात राज्यों का लेंगे, जैसे यहाँ पर एक राजू लिया था, एक के स्थान पर सात राजू लेंगे, 7 × 16 फिर उसमें जमा 16 कर देंगे और बटा 113 आ जाएगा, फिर जमा उसमें जो है 7 × 3 करेंगे, 7 राजू और 3 मतलब आप लोग पुस्तक 42 पेज को देख लें तो एकदम आपको सरल पड़ेगा, देखा 42 पेज पर देखेंगे तो इन्होंने देखो पहले लाइन लिख मिला, 42 पेज मिला है, अच्छा मैं निकाल देता हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि अपने को सब लोगों को इतना सीरियस क्यों लग रहा है, ये तो नहीं लगना चाहिए, मैं निकाल देता हूँ, ये त्रिलोक सार में 17 गाथा पर भी है और त्रिलोक सार में 96 गाथा पर भी है। हाँ ये कोई बात नहीं, अब ये तो अपन कर क्या सकते, जैसा चलेगा ना, ये आ गया, यही पीछे देखो, ये जो निकाला 371/113 क्या लिया, मध्य लोक में एक राजू है नीचे, और नीचे सात राजू है तो, और गोलाकार है, तो ये इनका फॉर्मूला है कि एक में 16 का गुणा किया प्लस 16 जोड़कर 113 का भाग दिया, तो फॉर्मूला ही है ये, डी एक है, और फिर क्या किया, एक में 3 का गुणा करके 1 आया था, अपन ने क्या कह दिया था, 3 गुणा ही ले लिया था, ये ले लिया था, इसको नहीं लिया था, 3 को करके लगभग 3, यहां भी उत्तर 3 ही आया, लेकिन 3 से कितना अधिक आया, 32/113 राजू ज्यादा आया, बस थोड़ा ज्यादा आया, नहीं तो अपने 3 मान लिया था, नीचे कितना आया 22,
अपन ने कितना माना था आशा बहन, 21 माना था, 21 के ऊपर कितना आया, 22 बटा 5 बटा 15 बटा 113, क्योंकि इसको कहते हैं सूक्ष्म परिधि है, तो इन्होंने इसको नापकर बताया। तो ये जो लिखा 25 बटा 103 और 113, ये दोनों जो है फिगर है, ये आ गए किसके आ गए कि जो हमने नीचे का जो अधोलोक है वो अगर अपन मुंडे की तरह माने तो ऊपर का कितना होगा और नीचे का कितना होगा, ये उन्होंने क्षेत्रफल को उन्होंने निकालकर हमें समझाया। ठीक है ना, ठीक है, सिर्फ समझना है हमें यहाँ पर गणित क्या क्यों आ रही है, ये ध्यान रखना। गणित इसलिए आ रही है यहाँ पर कि हमको ये दिखाने के लिए कि इट इज नॉट लाइक ए सर्कुलर एट द बॉटम, इट इज नॉट सर्कुलर इन द मिडिल, वो कैसा है, वो स्क्वायर है, जैसे अपनी विंडो की जो बनी हुई ना जूम की विंडो कैसी है, स्क्वायर है, गोल नहीं है, गोल करेंगे तो एकदम गोल हो जाएगी, तो स्क्वायर किया था तो अपन ने करके देख लिया था, नाउ ये गोल मानकर अपने को बता रहे हैं। चलो पढ़ी, थोड़ा और पढ़िए। 16 कहाँ से आए? 16 फार्मूले से आए, फार्मूले से, फार्मूला होता है ना, फार्मूला गणित में है, फार्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले है, तो इसको बोलते हैं करण सूत्र। ये पूरा त्रिलोक पंडति इन सब में करण सूत्र दे रखे, मतलब उस जमाने में आचार्यों के पास, आजकल तो आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो उत्तर ही आएगा, कैलकुलेटर में आप डालोगे तो सीधा क्षेत्रफल निकालोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चे कुछ नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं मुझे 7 राजू डायमीटर कितना है, 7, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, खट से दबाएगा बटन दबाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब फार्मूला यही लगे हुए सब, इन फार्मूले से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन कर दिया है, और होते हैं, और ऑनलाइन बच्चे ये 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा देते हैं, 4थी 5वीं क्लास में, यूएस में तो 4थी क्लास 5वीं क्लास के बच्चों को सब पढ़ा देते हैं, सर्कल का रेक्टेंगल का प्रिज्म का सबका कैसे निकालना है, सबका वॉल्यूम बोले, और इसलिए चिंता नहीं करना कि वो लोग भी गणित नहीं करते, वो सब कैलकुलेटर का बटन दबाते हैं, तो हमको तो आचार्य ने करके दिखाया है, दी ज्यादा ओनली फार्मूला चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलो, मैं समझाने वाला हूँ, ऐसा मत समझना कि नहीं समझ आएगा, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलो। राजू जी म्यूट करना पड़ेगा। तो मोटा और जगत प्रवर्तन पर लंबा चौड़ा दो लोक है, उस हिसाब से लिया क्या इन्होंने? क्या पूछा मंजुला जी ने? मंजुला जी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। और जगत प्रसार प्रमाण लंबा चौड़ा आधो लोक है, 3 राजू मोटा और जगत प्रसार प्रमाण लंबा चौड़ा उस पर लोक है। अभी अपन मतलब ठीक है, अगर आप 7 × 7 बोले, लेकिन अभी तो अपन को घनफल निकालना है, कोई बात नहीं, जगत प्रतर को तो क्षेत्रफल कहेंगे ना अपन ने, लेकिन यहाँ पर जगत प्रतर तो क्या होता है, 7 राज्यों में 7 राज्यों, लेकिन ये 7 राज्यों में 7 राज्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन तो छोटा कर रहे हैं, तो पूरा लोक की बात करें तब 7 × 7 राज्यों का आएगा, यहाँ तो अपन हम तो अधोलोक का भी पूरा बात नहीं कर रहे हैं, अधोलोक में मध्य लोक कितना बड़ा है, जो गोला है मुंडे का ऊपर का, अभी मुंडे की साइड की तो बात ही नहीं हुई है, अभी आने वाली आ गए है ना। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ो जी। फिर गोल सूची का घनफल 5 से ही 337/452 इतना होता है, फिर सूची रहित 14 राजू लंबे लोक रूप क्षेत्र के मध्य लोक के पास से 2 खंड करके उनमें से नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर उसे एक ओर से ऊपर से लगाकर नीचे तक काट कर पसारने पर सूप अर्थात सूपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। रुकेंगे, अब ये सूपा जानते हैं, झाड़ू लगाने का सूपा किसने देखा है, जो घर में झाड़ू लगाते हैं और आप देखते हैं सूपा ऐसा एक ऐसे आकार का, तो नीचे ऐसे आकार का, तो लोक का ऐसे आकार क्या हो जाता है, अगर अपन अपने पुस्तक के अंदर प्रारंभ में पेज को निकाल कर देखें, जहां पर उन्होंने बहुत सारे फिगर बना के देखे, शुरू में बिल्कुल इस ग्रंथ के शुरू में प्रस्तावना के वहां पर, जहां गणित पर दिए, वहां पर बहुत सारे फिगर बना के दिए उन्होंने। हाँ जी, दे रखे जी, ये ऐसे फिगर बना के दिए, मैंने भी लिखा है, ये ऐसा फिगर देख रहा है, ये देखो ये लोग ऐसा मान रहा है, क्यों मान रहा है कि गोल मान रहा, मुंडे की तरह मान रहा है ना, तो ऐसा लोग दिखेगा, अगर अपन लोग है अपना ऐसा, ये मान कैसा रहा है, ऐसा मान रहा, आप लोग ध्यान से देखिए, अपना लोग कैसा 343 गणराज्य वाला ऐसा है, ये मान कैसा रहा है, नीचे वेत्रासन मान रहा, ऊपर मृदंग मान रहा, तो आचार्य इसका वेत्रासन का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे,
इसका वॉल्यूम कैलकुलेटर दोनों को जोड़ेंगे और बताएंगे 343 गणराजू नहीं आ रहा है, इसलिए तेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अभी क्या कर रहे हैं कि बीच में ये आप इसको देखो, कोई इसके अंदर को यहां से लेकर एक पाइप मतलब इतनी बड़ी एक राजू गोलाकार को बीच में से काट कर निकाल दे देंगे। तो ये आधा जो बचा ना ये इसका बीच का निकल गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको जब फैलाएंगे आचार्य तो कैसे बनेगा वो बताते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल में बताते हैं। ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। अब ये क्या है, ये लोक को माना, किसने माना है, शंका कांड ने। क्या माना है कि वो मुंडे के आकार का है। आचार्य क्या करते हैं, उसमें से ये एक पाइप निकाल देते हैं बीच में, कितना, एक राजू ऊपर, एक राजू एक राजू नीचे, सात राजू है तो कितना बच जाएगा, तीन राजू की बच जाती है वो। लेकिन अभी यह सात राजू की एक पाइप पूरी की पूरी निकाल दी और ये सूप सूप के आकार का बन गया। सूप का आकार का बनने में आप जो कचरा लेते हैं तो यहाँ पर हैंडल होता था ऐसे लिख ले गए, तो इसको आचार्य का सूपाकार लिया। अब ये सूपाकार है ना, ये जो सूप का जो आकार बचा है इसको भी आचार्य कैसे करेंगे, एक ये रेक्टेंगल बना देंगे, एक ये क्षेत्र बना देंगे, दो ट्रेंगल बना देंगे। ट्रेंगल समझते हैं, त्रिभुज है। पहले सुनते चलो, एक दिन में पूरा समझ में नहीं आने वाला। ये जो सूप का आकार हुआ तो मैंने जो एक लिखा और तीन लिखा ये दोनों ट्रेंगल है, त्रिभुज है, और बीच में जहां दो लिखा है वो ये ऐसा कैसा एक स्क्वायर की पट्टी है। आचार्य इसका भी क्षेत्र निकालेंगे, इसका भी क्षेत्र निकालेंगे, इसका क्षेत्र निकालेंगे और गोल का, और सबको निकाल के बताएंगे कि तूने जो अधोलोक का निकाला था कितना निकाला था। प्रीति जी आपने कितना निकाला था, 196 निकाला था, और उसका जो उत्तर आने वाला वो कम आने वाला, बस उसका उत्तर आने वाला कम आने वाला। निकालेंगे कैसे, अधोलोक का निकालेंगे और मध्य, ये जो सिर्फ ये बताने वाले हैं कि तू ऐसा गोलाकार नहीं मान सकते, निकाल कर क्या बताने वाले हैं आचार्य, मैं आपको बता देता हूं। ये बताने वाले, सॉरी थोड़ा टाइम ऊपर चला गया, इनका अधोलोक का 106 बटा, अपना कितना आया था, 196 आया था। ये कैलकुलेट करेंगे तो 106 बटा 261 मंत्र आने वाला, और उर्दू लोक का मैंने 147 बना था, इनका 58 बटे 67 ये 1356 आने वाला। टोटल करेंगे कितना आ गया, 164 आने वाला, कुछ अधिक 160 अधिक है, और आना कितना जो 343, मतलब आधे से भी कम आ गया उनका, क्योंकि 343 का आधा करते हैं तो 170 कुछ आना, तो 364 हो जाता है। बस ये गणित है, और कहेंगे कि भैया इसलिए तू मान ले कि लोक कैसा है कि सात राजू जो है घन के प्रमाण 343 घन राजू है। मतलब ये गणित करके क्या बताएंगे, क्या कर रहे हैं प्रीति जी, गणित ही समझना। गणित करके क्या बताया कि शंकाकार कह रहा है कि नीचे का जो लोक है वो गोल है, कैसा गोल है, जैसा मुंडा होता है, ऊपर का कैसा है कि जैसा मृदंग के समान है। तो आचार्य उसको क्षेत्रफल निकाल के बता रहे, अपन ने क्षेत्रफल आज निकाल लिया, क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 196 प्लस 147 आ रहा था, तो वो इसका कितना आ रहा है, इसका आधे से भी कम आ रहा है दोनों मिला के। तो बोलते हैं कि 343 घन राजू जो है ये आचार्य की बात है, इसे तेरे को मानना पड़ेगा कि लोग गोलाकार नहीं है, नीचे स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल की तरह, इतनी सी बात उनको समझानी है। क्या बताया, बताओ प्रीति जी, आप समझाओ, गणित ही समझाना, गणित के द्वारा क्या समझाया गया है, गणित आई कहां से ये बताओ, बताओ। पहले आचार्य ने वो गोलाकार बताया, शिष्य को गोलाकार लग रहा था तो आचार्य ने वो क्लियर कराया कि हाँ। गोलाकार लिया तो ऐसा ऐसा सब माप आने वाला है, तो क्लियर किससे किया, गणित के द्वारा, और गणित के द्वारा क्लियर किया, कितने 7-8 पेज की गणित है उसके अंदर क्लियर किया। लेकिन गणित में क्यों जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 143 घन राजू है पर वहां पे तो 364 ही आया है सबका कुल मिला। हाँ। देखो अपने शुरू कहां से करना है, हमारा सूत्र नंबर 2 की व्याख्या चल रही है, उसके अंदर क्या बोला, मिथ्यादर्शी जी कितने क्षेत्र में रहते हैं, कि सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि एकेंद्र जी पढ़े, एकेंद्र जी मिथ्यादर्शी है तो एकेंद्र जी सर्वलोक रहते हैं, तो सर्वलोक कितना बड़ा है, 343 घन राजू है, बस ये बात बताने दे। ये गणित दूसरी पुस्तक में कहीं पर ली नहीं गई है, ये गणित सिर्फ यहां पर वीरसेन आचार्य ने करके सिर्फ दिखाई है
कि वो जो मृदंगाकार और जो मान रहा है वो गोलाकार नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है। हो सकता आचार्य वही लिख दे तब भी हम मान जाते हैं, हम मान जाते हैं। सही मानना कि नहीं मानना, वो नहीं मृदंगाकार सिर्फ उपमा के लिए, उपमा के लिए। जैसे मन कहे कि शेर कैसा होता है कि बिल्ली की तरह होता है, तो बिल्ली को शेर मानना कि नहीं मानना? नहीं मानना, नहीं मानना। लेकिन उपमा देखिए समझाते नहीं समझाते हैं। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो इतना इतना माप निकलेगा, ऐसा आचार्य ने उसको क्लियर कर दिया। हाँ जैसे आपने बोला ना कि देख कि आपने बोला कि मेरे पास में 1 किलो चावल है, आपने बोला, मैंने कहा नहीं नहीं आधा किलो है, तो उषा ने क्या करेंगे, ये तो आधा किलो को बांट ले आएंगे, लेकिन अब बांट तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो तीसरी पुस्तक में चला गया था। देखो आपके पास में 1 किलो चावल है और उषा जी बोल रहे हैं कि आधा किलो है, तीसरी पुस्तक में होगा तो क्या करेंगे, आधा किलो को बांट लेके तोल के बता देंगे देखो आधा किलो से भी कम है, लेकिन चौथी पुस्तक में क्या करेंगे, आधा किलो का डिब्बा लाएंगे और कहेंगे देख ये मेरा डिब्बा आधा किलो का है, 20 साल से मेरी माँ ने दिया तब से अभी तक मैं यूज कर रहे हूँ। आप कहेंगे ना उसे कहेंगे ये मेरी मम्मी का दिया हुआ डिब्बा है, एकदम आधा किलो का डिब्बा, इसमें शक्कर बराबर आधा किलो आती है, डालते रहे इसमें चावल, तो देख तेरा आधा इसमें आधा ही नहीं भरा, पूरा नहीं भरा तेरा आधा किलो, तो 1 किलो बोल रहा तो गलत हो गया। बस यही 17 प्रमाण मैं किया कि उनका आधा से भी कम आ रहा, 343 का आधा से भी कम आ रहा। क्या कम आ रहा आशा बहन, कि जैसे अपने को कहा कि मेरे पास में चावल है कितने, 1 किलो है, लेकिन आपने कहा नहीं 1 किलो नहीं आधा किलो है। अब उसको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे कि आधा किलो है 1 किलो नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे? अगर तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कहीं से अपने तराजू लाएंगे, आधा किलो का माप तोलेंगे और बता देंगे आधा किलो। चौथी पुस्तक है तो तराजू तला नहीं सकते हैं, क्यों तोल नहीं सकते हैं, तो चौथी पुस्तक क्या करेंगे, डिब्बा लाएंगे, उधर डिब्बा लाएंगे, शक्कर का डिब्बा लाएंगे, वो शक्कर का डिब्बा कौन सा था, आधा किलो का था, तो भर ले तेरे सामान इसमें भर के देख ले, देख इसमें भरा ही नहीं है तो इसको तेरे सामान आधा किलो से कम है, बस यही तरीका और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये बात समझ आ गई ना? अच्छा जी। अब उसको समझने के लिए क्या किया उन्होंने कि वो लोग जो था ना लोग, उसको बीच में से जो एक राजू की जो त्रस नाली है ना पूरी एक राजू की पट्टी उन्होंने निकाल ली, निकाल लो आप उसको, और बीच में मध्य लोग के आगे कागज को फाड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि अब उसको खोला तो बीच में निकलने से वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपका जो मटकी हो, तो मैंने आप ये थोड़ा सा क्या है कि इमेजिनेशन करना पड़ेगा और इतना इमेजिनेशन होगा नहीं क्योंकि तो 3 डायमेंशन में उत्तर दक्षिण में भी है, तो जो कर सके वो बहुत अच्छा है, करने का है, नहीं करे तो मैंने आपको बता दिया कि इस गणित के अंदर क्या बताने वाले, गणित के फॉर्मूले भी बता दिए कि कैसे निकाल रहे हैं, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल 3 चीजों का निकालेंगे, एक निकालेंगे त्रिभुज का, एक निकालेंगे स्क्वायर का और एक निकालेंगे इसका स्फेयर का, बस सर्कल का, सबके फॉर्मूले होते हैं। सर्कल का तो आपको पता ही है कि हाइट को बेस से गुणा कर दे, कर दे ना उसको, कर दे ना फार्मूला, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने का भी फार्मूला है, गोल वस्तु का निकालने का फार्मूला है और आयत का भी फार्मूला निकालने का। तो अभी अपन समझेंगे कि आचार्य ने कैसे उसको तरीका लगा के किया है, उसकी गणित के अंकों में नहीं जाकर हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे और फिर हम बताएंगे। पढ़िए अशोका जी, थोड़ा और आगे पढ़िए। अब एक बात है, अब जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं वहां पर सब स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को लगा था ना, अब मैं गारंटी देता हूं जो पढ़ेंगे विशेषण उसमें बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। प्रीति जी देखो पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, पढ़ो प्रीति जी आप यहां पर, प्रीति जी पढ़ो यहां पर विशेषण पेज नंबर 13 है शायद। हाँ यहाँ पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है, उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं, जो नीचे गोल आकार वाला तथा 7 राजू चौड़ा है और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्य लोक में गोल आकार वाला तथा 1 राजू चौड़ा है। इससे ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित 7 राजू लंबी 1 राजू चौड़ी गोल आकार वाली त्रस नाली है, उसको यदि वेत्रासना आकार अधोलोक के बीच में से निकाल कर बचे हुए अधोलोक को एक ओर से ऊपर से नीचे तक काट कर पसार दिया जाए तो उसका आकार
ठीक सूपा के समान हो जाता है। रुकेंगे, मतलब ये जो आचार्य जो बोल रहे हैं ना, वो चीज ये बोल रहे हैं, मैं बताता हूं इसके अंदर। कि लोग कैसा है, ऐसा है, शंकाकार कैसा मान रहा है, ऐसा मान रहा है कि नीचे से ये जैसे मृदंगा ये माना ना, ये वेत्रासन माना और ऊपर मृदंगाकार को भी उसने गोल गोल मान लिया, तो ये मान रहा ही है। तो आचार्य के कह रहे हैं ये यहां से नीचे का हो जाएगा अधोलोक, ऊपर का हो जाएगा वेत्रासन, इन दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम समझते हैं, घनफल कैलकुलेट करें। तो पहले इसको निकाला, इसको निकाला तो ये देखो ये यहाँ एक राजू है ना, तो एक राजू की पूरी पट्टी, जो पट्टी मैंने यहां दिखाई, ये पट्टी है ना पट्टी, ये यहाँ की पट्टी है, ये पट्टी में अगर देखू यहां से तो ये पट्टी ये यहां पर आ गए, ये पूरी पूरी नहीं आई है, कोई बात नहीं, एक लाइन ही आई है, ये वो नहीं आई ये पट्टी, चलो ये पूरी पूरी जो पट्टी है ये मैं करता हूं। अच्छा एक ही चीज बन रही है, ठीक है, ये आ गए, ये यहां पर थी पूरी पूरी, ये ऐसा ये ऐसी हो गई बराबर। अपन ने इसको जो लिखा है ना, इसको काट के इसको यहां रख दिया, तो ये जो ऊपर का बचा है ये क्या बचेगा, जो नीचे का जो बचा वो ये चीज बच गई, क्योंकि ये पूरी पूरी खाली निकल गई। अब इसको जब अपन खोलेंगे ऐसे तो ये कैसा बन जाएगा, ये सूप के आकार का बन जाएगा, ये सूप के आकार का आचार्य ने यहां पर बताया, ये ऐसा सूप के आकार का बन जाएगा, ये ऐसा सूप आकार, ये लोग ऐसा है, शंकाकार ऐसा मान रहा है, उन्होंने पट्टी निकाली तो लूप को ऐसे बन गया। अब ये जो ऐसा बना ना, तो ये ऊपर की परिधि कितनी है, एक राजू की परिधि, नीचे की कितनी है, सात राजू की परिधि है, क्योंकि वो ये तो मान ही नहीं रहा है, वो तो गोल मान रहा है, सात राजू की परिधि है, तो सात राजू का क्षेत्र अभी परिधि निकाला था अपन ने पेज नंबर 42 पर, इसका भी निकाला था। अब ये क्या करेंगे, इसको यहां से फिर एक वर्टिकल ले लेंगे तो एक त्रिभुज इधर मिल जाएगा, एक त्रिभुज इधर मिल जाएगा, तो इस प्रकार से मानकर आचार्य उसको जो है उसका घनफल निकालने की हमको एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। चलिए लगता है आप लोग गणित समझने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ही हम प्रीति ने कहा गणित नहीं समझ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि यहां पर गणित कैसे निकाली गई, ये समझाने का समझने का काम शंकाकार का है, क्योंकि हमने प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न शंकाकार ने पूछा है, आचार्य उसको समझा रहे हैं। हमें तो ये देखना है कि आचार्य वीरसेन देखो कितनी अच्छी तरह से हमारे आचार्य जो है कितना गणित जानते हैं, हमको तो ये खुश होना है कि हमारे आचार्य देखो शंकाकार हमारे आचार्य से प्रश्न पूछता है और हमारे आचार्य एक टेम का मतलब खाना खाने वाले कितनी गणित से उसको समझा रहे हैं, बस इसको करके आपको प्रश्न पूछते हमारे महाराज हमारे मुनिराज भावलिंगी संत कितने ज्ञानी थे कि उनको इतनी बड़ी गणित आती थी, हमें कहां समझना, हमने तो समझ लिया, हमें जो समझना है मैंने आपको बता दिया 196 और 343। अब ये आचार्य जो गणित निकालेंगे वीर से निकालेंगे वो ये बताएंगे कि जो गणित से ना इतना नहीं आता कम आता है, कम आता है इसका मतलब क्या है कि वो उसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ो, चलो पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए प्रीति जी आगे। इस सूपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार 371/113 इतना है और तल का विस्तार 22/15/113 राजू प्रमाण है। ये दोनों को 42 सूत्र पर निकाला था क्योंकि मुख का विस्तार मतलब मध्य लोक पर एक राजू उसका इतना आ गया और इसका इतना आ गया, इस मुख विस्तार से बोलो, इसे मुख विस्तार से अर्थात मुख विस्तार के अंत से लगाकर दोनों ओर सात राजू लंबा नीचे की ओर छेदने पर त्रिकोण क्षेत्र और एक आयत चतुरस्त्र क्षेत्र इस प्रकार तीन क्षेत्र हो जाते हैं। त्रिकोण भी बन जाता है, आयत भी बन जाता है, आयत बन जाता है और दो त्रिभुज बन जाते हैं किसके, सूपाकार के। ये तो आप देख सकते हैं घर के अंदर सूपाकार हो तो उसको जब ऊपर का ये हो जाएगा तो नीचे का जो बनेगा ऊपर का जो बनेगा सूप का कौन सा बनेगा, जो बनेगा जो निकला आयत क्षेत्र बना ऊपर का कितना बनेगा वो एक राजू की परिधि वाला और नीचे कितना बनेगा सात राजू की परिधि वाला बनेगा और दोनों तरफ जो त्रिकोण निकल जाएंगे बस ये तीन क्षेत्र बन जाएंगे।
अब इनको क्या हो गया कि जो आयत क्षेत्र ना उसका तो बराबर इजी है, लंबा इंटू चौड़ाई इंटू उसकी जो उत्तर दक्षिण की कर देंगे सात रज घनफल निकल जाएगा। अब इनका निकालना है इनका किनका जो त्रिभुज बने जो दो ट्रेंगल बने उनका निकालने का, और ऊपर का क्या उसकी बिल्कुल एक पॉइंट बिंदु रह गया क्योंकि तो अपने पूरी नाली निकाल दी जितनी उसकी थिंकनी एक प्रदेश मात्र उसकी मोटाई रह गई है, तो उस मोटाई को कैसे नापे और उसको कितना लिखे उसके लिए आचार्य जो त्रिभुज के लिए कुछ कलाकारी दिखाने वाले हैं। पढ़िए आप, हम बताएंगे कैसे कलाकारी करेंगे, बताइए। उक्त प्रकार से बने हुए इन तीन क्षेत्रों में से पहले आयत चतुरस्त्र आकार वाले मध्यवर्ती क्षेत्र घनफल निकालते हैं। इस आयत चतुरस्त्र क्षेत्र का उच्छेद यानी ऊंचाई सात राजू है और बिल्कुल सही, क्योंकि अधोलोक सात राजू तो सात राजू आ गए। विषकंभ ऊपर जो 371/113 है और मुख में एक प्रदेश की मोटाई कितनी, एक प्रदेश की मोटाई है और तल भाग में तीन राज्यों प्रमाण माइल है, तीन राज्यों का रह गया, नीचे सात राज्यों था, एक राज्य बीच में से निकाल दिया तो दोनों तरफ तीन तीन राज्य बच गए। अपन ने अधोलोक में से एक राज्य का पाइप निकाल दिया तो दोनों तरफ कितने बच जाएंगे, एक राज्य बच जाएंगे, तीन तीन राज्य बच जाएंगे, छह हो गए, दोनों तीन राज्य इधर तीन राज्य उधर बच जाएंगे। इसलिए उससे का प्रमाण सात राज्यों है, उसके मुख को प्रमाण गुणा करके तल भाग जो तीन राज्य उसको आधे से डेढ़ ये उसका उन्होंने निकाल लिया। अब इनको दोनों मिल गया ना, उससे का प्रमाण मिल गया सात राज्य है, मुख का प्रमाण मिल गया तो मुख के प्रमाण को निकाल कर तो उन्होंने उसका जो है आयत का चतुर्थ का क्षेत्रफल निकाल दिया उन्होंने, ठीक है ना, ये आयत का क्षेत्रफल का चतुर्थ हो गया। चलो आगे चलो, अब शेष जो दो त्रिकोण क्षेत्र है अब क्या बचे हैं? अब शेष जो दो त्रिकोण क्षेत्र है वे सात राज्यों लंबे हैं और 113 से एक राज्य को खंडित कर उनमें से 48 खंड अधिक 9 राज्य भुजा वाले हैं अर्थात उनका अधोविस्तार 9 से ही दिख नहीं रहा है बराबर, 48 बटा वो है 93 113 है। इसी विस्तार को यहाँ त्रिकोण क्षेत्र की अपेक्षा से भुजा कहा है और उन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों का भुजा और कोटि के यथायोग्य संभवित कर्ण का प्रमाण है। इन दोनों त्रिकोण क्षेत्रों को कर्ण भूमि से लेकर दोनों ही दिशाओं में बीच में से काटने पर तीन तीन क्षेत्र हो जाते हैं। अब रुकेंगे, बस सिर्फ काटने का ही सोचना है कैसे काटा क्या हुआ तो नहीं समझ आएंगे। अभी जो त्रिभुज बना है तो इसका जो त्रिभुज के कर्ण समझते डायगोनल को बोलते हैं कर्ण, त्रिभुज में मतलब तो कर्ण की रेखा बनाना क्योंकि परपेंडिकुलर बना तो कर्ण रेखा बनी है, तो उसका जो है यहाँ पर फॉर्मूला ने दिया गया, पता है कि अगर जो दोनों भुजा होती है उन दोनों का वर्ग करो और उनका स्क्वायर कर दो, जैसे ए बी ए सी सी निकालना कर्ण निकालना है तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सी आ जाएगा। आचार्य ने निकाल के बता दिया, अभी अपने को यहाँ पर ज्योमेट्री तो पढ़ने रहे, ये सब पता ना कि ज्योमेट्री में अपने पढ़ा था कि कर्ण रेखा कैसे निकालते हैं कि दोनों भुजाओं का वर्ग करके उसका स्क्वायर रूट लेते तो कर्ण रेखा आ जाती, वो आचार्य ने यहाँ पर बता दिया। अब आपके पास में एक त्रिभुज के पूरे डायमेंशन आ गए, कर्ण भी आ गया, वर्टिकल बेस भी आ गया, ये भी बेस आ गया, उसका जो निकालने का है तो कैसे निकालेंगे वो तरीका आगे बताते हैं। चलिए, विशेषार्थ यहाँ पर त्रिकोण क्षेत्र के भुजा और कोटि का प्रमाण तो दिया है पर कर्ण का प्रमाण नहीं दिया है। उसके निकालने की प्रक्रिया यह है कि भुजा के प्रमाण का वर्ग और कोटि के प्रमाण का वर्ग जितना हो उन्हें जोड़कर उनका वर्गमूल निकालना चाहिए, जो वर्गमूल का प्रमाण आवे वही कर्ण रेखा का प्रमाण समझना चाहिए। जो मैंने बताया फार्मूला बताया ना, वो फार्मूला है ये, ठीक है। उक्त प्रकार से उत्पन्न हुए इन तीन तीन क्षेत्रों में एक एक आयत चतुरस्त्र क्षेत्र और दो दो त्रिकोण क्षेत्र जानना चाहिए। दोनों ओर मिले ये दोनों ओर हो गए, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। उनमें सात राज्य उच्छेद वाले आयत चतुरस्त्र क्षेत्र के दाएं बाएं दोनों ओर जो दो आयत चतुरस्त्र क्षेत्र हैं
उनमें प्रत्येक का 3.5 राजु उत्सेद हैं तथा 226 से एक राजु को खंडित कर उनमें 161 खंडों से अधिक 4 राजु अर्थात 4 से 561 बटा 226 प्रमाण विष्कम्भ है तथा दक्षिण और वाम यानी दाएं बाएं अधस्तम कोण पर 3 राजु बाहल्य है। अन्य दक्षिण वाम कोणों पर यथाक्रम से ऊपर और नीचे 1.5 राजु बाहल्य है। अवशिष्ट 2 कोणों पर 1 आकाश प्रदेश प्रमाण बाहल्य है और अन्यत्र अर्थात बीच में क्रम से वृद्धि को प्राप्त बाहल्य है। इस प्रकार के इन दोनों आयत चतुरस्त्र क्षेत्रों को लेकर यानी उठाकर उनमें एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को विपर्यास अर्थात उल्टा करके स्थापित करने पर सर्वत्र 3 राजु बाहल्य वाला क्षेत्र हो जाता है। इसके विस्तार को उत्सेद से गुणाकार पुनः गुणा कर पुनः वेद मोटाई से गुणा करने पर घनफल 4 से 161 बटा 226 गुणा 3 से 1/2 गुणा 3 बराबर 49 गुणा 49 सही 217 बटा 452 इतना हो जाता है। अब अवशिष्ट जो 4 त्रिकोण क्षेत्र हैं वे 3.5 ऊपर चला गया है जाता उत्सेद वाले नहीं है 3.5 राजु उत्सेद वाले हैं तथा 226 से एक राजु को खंडित कर उनमें से 161 खंडों से अधिक 4 राजु अर्थात अब ऊपर करना पड़ेगा स्क्रॉल करना पड़ेगा 4 से 161 बटा 226 राजु प्रमाण भुजा वाले हैं उन्हें कर्ण क्षेत्र से लगाकर दोनों ही पार्श्व भागों में बीच से छिन्न करने पर 4 आयत चतुरस्त्र क्षेत्र और 8 त्रिकोण क्षेत्र हो जाते हैं। यहाँ पर चारों ही आयत चतुरस्त्र क्षेत्रों का घनफल पहले के दोनों आयत चतुरस्त्र क्षेत्रों के घनफल के चतुर्थ भाग मात्र होता है क्योंकि चारों ही क्षेत्रों को बाहल्य के अविरोध से इकट्ठा करने पर अर्थात यथाक्रम से विपर्यास कर उल्टा रखने पर 3 राजु बाहल्य और पहले के क्षेत्र के विष्कम्भ और आयाम से अर्ध मात्र विष्कम्भ और आयाम प्रमाण वाला क्षेत्र पाया जाता है। रुकेंगे ये कर क्या देखो थोड़ा सा तो ये तो जरूर है क्या कहते हैं एक एक लाइन अगर आप समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब गणित की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2 चीज नहीं आने कारण क्या है, एक तो क्या है कि अभी इनकी विधि नहीं समझ में आ रही कि क्या कर रहे हैं, तो मैं विधि तो बताने वाला हूं, और दूसरा है गणित। तो गणित तो कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो आपको फटाफट गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वो गणित क्या करते जा रहे हैं कि आचार्य मैं बताता हूं अभी आपको यहां तक तुमको समझ में आ गया था कि ये ट्रेंगल बना था, 3 क्षेत्र मिल गए थे, एक तो ये आयत मिला था, 2 ट्रेंगल मिल गए थे, 1, 2, 3 मतलब 2 नंबर पर आयत मिला था और 1 और 3 अपने को मिल गए थे, क्या मिल गए थे, ट्रेंगल मिल गए थे। ये तो इसको उन्होंने बोला था 3 क्षेत्र मिला था, बराबर है ना, 3 क्षेत्र है। अब ये जो 3 क्षेत्र मिला मतलब 1 ट्रेंगल और 3 नंबर का ट्रेंगल 2 नंबर का आयत, तो आयत का तो इन्होंने अलग से निकाल के बता दिया क्योंकि आयत की क्या है, ये 7 राज्य है, इधर पर 1 राजू उसका जो पता ही हमको कि कितना उसका है, और उधर 7 राजू जो है पूरा उत्तर उसका निकाल दिया। अब बचा ये इधर के 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर को दोनों कैसे त्रिकोण क्षेत्र है लेकिन ये ऊपर से कट चुके हैं तो इनकी मोटाई कितनी, 1 प्रदेश की है। तो अब क्या हो रहा है
कि यहाँ पर परिधि तो है ये तीन राज्यों के बराबर, ये टोटल निकल के नहीं है, और ये कितनी है 3.5 राज्यों, ऊंचाई कितनी है पूरी जो है 7 राज्यों, ये पूरी जो है पूरा 7 राज्यों का जादव लोक का 7 राज्यों है। तो ये आचार्य जो ये जो ट्रेंगल बना है, इस ट्रेंगल के अंदर यहां से मध्य से लेकर एक लाइन खींचकर यहां ले गए, क्योंकि अब हमें इसका ऊपर का पता नहीं है तो कहां तक जाएंगे कि धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्या कारण क्या है कि जैसे ये चीज पता हमको, ये चीज पता, लेकिन ये कितना एक प्रदेश, मतलब कहते ना 1 मिलीमीटर कोना कितना बड़ा है कि 1 मिलीमीटर है। अब उसको कैसे नापे कैसे करें, तो आचार्य उस क्षेत्र के ही टुकड़े करते जाएंगे। किस क्षेत्र के टुकड़े करते जाएंगे, इस क्षेत्र के टुकड़े करते जाएंगे। कैसे टुकड़े करेंगे कि जैसे ये हो गया ट्रेंगल हो गया, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया, इसको ट्रिंगल बन गया, ट्रिंगल ट्रिंगल जिसको बोलते हैं, ट्रिंगल इसमें बन गया, जो लाइन की थी ये लाइन, ये बन गया। अब हमें यहां पर क्या है कि ये एक प्रदेश है और नीचे 3 प्रदेश है, तो आचार्य क्या करेंगे कि इसको यहां से इस ट्रिंगल को अब एक इसको यहां, ये बिल्कुल बीच में, ये बीच में इसको काट देंगे, ये काट दिया, और इसके नीचे सिर्फ तरीका समझना है, फिर बाद में उसकी गणित तो बताएंगे। ये यहां से ऐसे बना दिया इस क्वेश्चन को, तो एक ट्रेंगल में कितने मिल गए, 2 ट्रेंगल और 1 आयतन मिल गया। अभी कितना था, 1 ट्रेंगल था, जैसे ये 1 ट्रेंगल इधर का था, उधर का 1 ट्रेंगल इधर था, बीच में क्या था, बीच में ये था, ये ऐसे था, ये था, मैंने जिस दिखाने के लिए इसको छोटा सा करना, ये था, और इधर का एक ट्रेंगल ये था, और इधर का ट्रेंगल ये उल्टा था, ये मैंने उल्टा करना पड़ेगा। चलो ये उल्टा था, मतलब जैसे ये ट्रेंगल था ना, ये साइड यहां पर आ जाएगी। अब हमको इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, तो आचार्य ने क्या किया कि इसकी कर्ण रेखा के ऊपर यहां से बीच में ये निकाला और यहां से इसके बीच में ये डाल दिया, तो एक और राइट एंगल बन गया और 2 ट्रेंगल बन गए। अब क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। अब जब इन दो, इसका निकाल लिया उन्होंने वॉल्यूम, अब इन दोनों का निकालना है, तो फिर इसके बीच में यहां से 2 करके फिर इसको करेंगे, 2 ट्रेंगल मिल देंगे। तो हर बार उनको छोटा छोटा कब तक करते जाएंगे, जब तक उनको एक प्रदेश की थिकनेस प्राप्त नहीं हो जाए, उनके एक प्रदेश की थिकनेस नहीं प्राप्त हो जाए, ऐसे करते 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 जाएंगे। तो ये कैसे बनते जाएंगे, अभी आपको कितने मिले थे, 2 त्रिकोण मिले थे और 1 आयत मिला था। जब 1 त्रिकोण को लिया था, फिर क्या मिल गया, 1 आयत मिल गया, और 2 त्रिकोण मिल गए, मिल गए, दुगने दुगने होते जाएंगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, 4 गुने 8 गुने 4 16 64 बढ़ जाएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये काट के बना रहे, क्या बना रहे, क्यों ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि सुपो के उधर की थिकनेस तो रह गई, 1 रह गई है,
तो उसको कैसे मापे और कैसे करें, उसकी हम कैसे निकाले कि कितना बड़ा है, हम कैसे करें। तो आचार्य उसको धीरे 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 करके एक एक को करते करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। समय हो गया। हाँ, समय होने वाला है बिल्कुल। हाँ, तो आप सबने चार आयत कैसे बने, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के, ऐसे बढ़ते जाएंगे ये, है ना, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक ले जाने का है आचार्य इसी प्रकार कहेंगे। इसी प्रकार एक लाइन पढ़ लेते हैं, इसी प्रकार सोलह बत्तीस चौसठ आदि क्रम से आय चतुर्थक्षेत्र के पहले आय चतुर्थक्षेत्र के गणफल को चतुर्थ भागमाल गणफल होते हुए तब तक चले जाएंगे जब तक कि अविभाग प्रतिच्छेद अर्थात एक परमाणु नहीं प्राप्त हो जाए। इस प्रकार समस्त क्षेत्रों के गणफल को जोड़ने का विधान कहते हैं जो कल बताएंगे। अब इनको जोड़ने का विधान क्या है कि कैसे जोड़े, आप तो बता रहे एक हुआ, चार हुआ, सोलह हुआ, आठ हुआ, एक आठ सोलह बत्तीस चौसठ ऐसे करता, कब तक करते आने का है, जब तक कि हमको प्रदेश नहीं मिल जाए। तो अब इनको करने का विधान क्या है, तो उसके लिए आचार्य के पास में एक फार्मूला है, उसका नाम है अंत धन गुणगुणियम आदि विहीनम ऋण उत्तर भजियम। इसको कैसे करते हैं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, आप लिखो चार सोलह और चौसठ, इतने लिखे बंद करते हैं। चार सोलह और चौसठ लिखा, चार सोलह चौसठ लिखा ना, चार सोलह चौसठ, ये क्या है, चार से चार में चार का गुणा किया तो सोलह आया, सोलह में चार का गुणा किया तो चौसठ आया। अब इनको जोड़ना है, चार सोलह चौसठ बता रहे ना आगे लिए, तो कैसे जोड़ेंगे इसको, चार सोलह चौसठ जोड़े कितना आएगा, 84 आएगा, कितना आएगा, 84 आ जाएगा। चार सोलह और चौसठ गुणे कितना जोड़ कितना आएगा, 84 आएगा। आचार्य हमको फार्मूला देने वाले हैं कि अंत धन गुणगुणियम, अंत धन कितना है, चौसठ, ठीक है ना, गुणाकार कितना है कि चौसठ को गुणा करना है चार से, तो चार सोलह गुणाकार क्या चार है, तो चौसठ गुणा चार आदि विहीनम, आदि चार है तो चौसठ गुणा चार माइनस चार डिवाइडेड बाय रूट उत्तर भजियम, चार माइनस एक से भाग देना, ये करंट सूत्र है, सब करंट सूत्र सब मिलेंगे आपको त्रिलोक पंडित त्रिलोक सार में। तो इसको जब उत्तर करेंगे तो आपको चौसठ आ जाएगा। कल मैं इसको करंट सूत्र को फिर से आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आचार्य ने पहले ज्योमेट्री का लिया, ज्योमेट्री का उनको पता नहीं था ऊपर का कैसे निकाले, उन्होंने छोटे 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 ग्रुप करके उन्होंने इसका क्षेत्रफल निकाल कर बताया। कल इसके फार्मूले के बारे में अपन चर्चा करें, ठीक है ना। आज का विषय में अगर आप लोगों ने गणित समझने का प्रयास किया तो आपको अवश्य कठिन लगेगा। अगर आपने ये समझने का प्रयास किया कि धवला पुस्तक चार में सूत्र नंबर दो में गणित क्यों आ गई, तो उसका उत्तर केवल इतना ही है कि गणित इसलिए आई है कि विद्या में जो शंकाकार है वह उसको जो है मृदंगाकार, मतलब गोला मान रहा, वेत्रासन की तरह से नीचे गोलाकार और ऊपर मृदंगाकार, गोलाकार मान रहा है, और आचार्य कहते हैं कि लोग ऐसा नहीं है, तो आचार्य उसको गोल मानकर उस गोलाकार के तीन डायमेंशनल वस्तु का घनफल निकालकर उसको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं इसलिए जो है 13343 घन राशि नहीं आए। ठीक है, ये बात आप मधु जी प्रसन्नता है क्या, प्रसन्नता है, क्योंकि हमको तो हर चीज में प्रसन्न रहना, हम तो जैनी है, उपवास करें तो भी प्रसन्नता से करते हैं, खाना खाते हैं तो भी प्रसन्नता से खाते हैं, समझ में आए तो भी प्रसन्नता से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आए तो भी प्रसन्नता से पढ़ते हैं, यही तो हमारा धर्म है क्या, नहीं क्या बताया प्रदीप जी, आगे आ जाएगा समझ आता है, हैप्पी ऑलवेज हैप्पी हैप्पी गुड बाय। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति कौन बोलना चाहता है, कल सरल लगने वाला है, कल ऐसा सुन, कल बिल्कुल सरल हो जाएगा, आप चिंता मत करें, बहुत अपन ने गंगा निकाल दी है, बिल्कुल सरल हो जाएगा। चलिए फुलवा की रे जाकी कुंद कुंद गूंथे माल रे, जिन जी की वाणी बली रे, वाणी प्रभु मन ल
लागे भली इसमें सार समय शिर ताज रे जीन जी की वाणी की निज निधि निज रे बता जय बोलो सिद्धांत शास्त्र की जय। कल अंजना जी जिनवानी स्तुति बोलेंगे। हाँ जी जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र। कल का हाँ आज का विषय थोड़ा नया होने से कठिन लगा होगा लेकिन कल का बिल्कुल सरल हो जाएगा इसकी गारंटी है। जब आपने लास्ट में जो डिवाइड करके दिखाया ना हाँ तो वो अच्छा लगा। हाँ ऐसा ही उन्होंने किया ना उसमें डिवाइड करना है मैं बताऊंगा कल थोड़ा करेंगे स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को ठीक है ना। ठीक है जय जिनेन्द्र जय 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 प्रणाम पंडित जी जय प्रणाम जय जय।